नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल आओ करें खरगोश पालन में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज की हमारा आज का टॉपिक है दवाएं, मेडिसिन, कि खरगोश को हम कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, क्या क्या बीमारियां होती हैं। क्योंकि बहुत सारी कंपनी बताएंगे कि खरगोश में कोई बीमारी नहीं, लेकिन है। अगर जो कोई इस मतलब धरती मंडल पर इंसान है, जानवर है, पशु हैं, पक्षी हैं, सभी बीमार होते हैं। हम लोग घर पर एक एक जानवर रखते हैं तो ज़्यादातर बीमारियों का पता नहीं चलता है, लेकिन जब मास क्वांटिटी में जैसे आप देख रहे हैं चारों तरफ बच्चे बच्चे बहुत सारे जानवर हो जाते हैं, तब बीमारियां भी आने लगती हैं। तो हमने जब नया फार्म खोला था तो हमें पूरा YouTube हमने देख लिया, लेकिन एक भी वीडियो ऐसा नहीं मिला हमको कि जो कोई ये बता रहा हो कि हाँ इस बीमारी के लिए ये आप दवा दे दीजिए। तो काफ़ी करीब 1.5 साल से हम इस खरगोश फार्म अपना चला रहे हैं, तो हम धीरे धीरे हमने एनालाइज़ किया कि चलो एक वीडियो बना के डालते हैं कि इतने दिन में जो हमने अपने अनुभव से, जो अपने एक्सपीरियंस से दवाएं जो हम दे रहे हैं, जिस तरीके से सफलतापूर्वक अपना हम फार्म चला रहे हैं, तो वो क्यों ना वो बातें वो वीडियो बनाकर आप लोगों से शेयर की जाए। तो चलिए हम वीडियो ना लंबा करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बीमारी होती है खरगोश, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि देखिए ये जो इंजेक्शन है जेंटामाइसिन, ये जेंटामाइसिन इंजेक्शन है, इसको आप ये हम जो अब खुद देते हैं 1 ml, एक बड़े पेरेंट को 1 ml इंजेक्शन जैसे ऐसे इसमें सिलिंग से लोड कर लेते हैं और खरगोश के लगा देते हैं। अगला एक वीडियो हम पर्सनली बनाएंगे, उसमें दिखाएंगे कैसे खरगोश के हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि अभी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रैबिट फार्मिंग कर रहे हैं या उससे जुड़े हैं, तो वो उनके लिए बेसिक जो जानकारियां हैं वो हम साझा कर रहे हैं। बाकी जैसे खरगोश को कौन कौन सी मतलब स्पेसिफिक डिजीज़ है, या फिर उसके लिए कौन सा वैक्सीन देना है, या फिर खरगोश को क्या क्या देना है, या इंजेक्शन कैसे लगाने, इसके लिए वो अगले नए वीडियो बनाएंगे। तो आप ये करिए, जैसे जुकाम हो रहा है खरगोश के, सियार्टिक प्रॉब्लम आ रही है, तो जेंटामाइसिन इंजेक्शन आप 3 दिन उसको 1 ml दे सकते हैं, या फिर भी 3 दिन हो जा रहा है फिर भी जानवर अगर क्योर नहीं हो पा रहा है तो 4 दिन भी आप दे सकते हैं, 5 दिन भी, मतलब मिनिमम 3 डे का एक डोज है। और जैसे आप फिर भी कंट्रोल नहीं आ रहा है या आप इंजेक्शन लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप देखिए दूसरा जो हमारा एंटीबायोटिक है इंड्रोफ्लॉक्सासिन 10%, या आप ये देखिए, और आप इंड्रोफ्लॉक्सासिन BM 20% मैनकाइंड कंपनी का भी ले सकते हैं। और ये जो हमारा है जियोडिट कंपनी का है, इसका ये आधा लीटर का है, 500 ml का, MRP 375 रुपये, जियोडिट कंपनी का। और इसी के साथ बता दें जेंटामाइसिन इंजेक्शन के MRP 150 रुपये है। तो ये जो है इंड्रोफ्लॉक्सासिन सेम उसी बीमारी के लिए ये भी है, अगर जो कोई CRD दिक्कत आ रही है आपके खरगोश में, कोई नाक पे जैसे पानी आना, छींकना, और कोई जैसे बुखार आना, इन सारी दिक्कतों में इंड्रोफ्लॉक्सासिन भी आप 1 ml, ये 10% है, तो आप 1.5 ml भी एक बड़े पेरेंट को दे सकते हैं, आराम से पिला दीजिए। यही अगर इंड्रोफ्लॉक्सासिन BM 20% होता तो फिर आप 1 ml से डोज कम ही कम, मतलब फिर 1 ml से ऊपर बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। और बाकी फिर देखिए, और ये एक हो गई कि बुखार, जुखाम, सर्दी और CRD प्रॉब्लम के लिए, ये बात यहाँ से अब ख़त्म होती है। इसको देना कैसे, देखिए इसे तो आप जब जुखाम होगा तब दे सकते हैं, लेकिन ये जो इंड्रोफ्लॉक्सासिन है इसको आप पर 1 ml जितने भी आपके पेरेंट रैबिट हैं या रैबिट हैं उसको आप महीने के 3 दिन, इसे 1, 2 या 3 तारीख इसको अब दाने में मिलाकर, जैसे 100 बच्चे हैं तो 100 ml, या फिर आप 70-80 ml तक अब दाने में थोड़े पानी में मिला के पूरे दाने में मिला दें, उसको फिर आप लगा दें दाना सागे फीडरों में जानवरों के डाल दें। उससे क्या होता है कि एक प्रॉपर जो एंटीबायोटिक डोज है उससे वो जानवरों को मिलता रहेगा, उससे जानवर आपका कम बीमार होगा और ज़्यादातर आपको दवाएं नहीं देनी पड़ेंगी। फिर भी यदि 3 दिन देने के बाद भी कोई जानवर अगर जो नहीं के मतलब फिर भी जुकाम बुखार ऐसी दिक्कत आ जा रही, तो बिल्कुल इंस्टेंट रिलीफ के लिए आप जेंटामाइसिन इंजेक्शन 3 दिन दे दीजिए। अब दूसरी देखिए, ये दिक्कत सबसे ज़्यादा क्यों आती है, जैसा कि आप अभी देखिए नीचे दिखाई हुई, ये देखिए जो नीचे गंदगी है इसके कारण, जैसे ही फार्म में गंदगी बढ़ना शुरू हो जाती है तो वहाँ से जो पहले की स्मेल्स है या फिर वीट की स्मेल
में से ये जानवरों के पास आ रही होती है। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम 24 घंटे एक बार फार्म की सफाई, हो सके तो आप दो बार करें, नहीं एक बार तो बिल्कुल कंपलसरी है। और हर दूसरे या तीसरे दिन चूना, यानी करीब 2-2.5 किलो चूना आप बिल्कुल बारीक पीस के उस और फार्म में स्प्रे कर दें, या मंथली या ईयरली सॉरी या मंथली या मतलब ये एक मंथ में एक बार या एक वीक में एक बार, या फिर आप वैक्सीन वो कोई जैसे ये तमाम तरीके के एंटीबायोटिक पाउडर आते हैं या दवाएं आती हैं जो पोल्ट्री फार्म वगैरह में डाली जाती हैं बैक्टीरिया वैक्सीन सब मारने के लिए, और अभी हमारे पास करीब वो दवा शायद है ख़त्म हो गई है, देखते हैं सॉरी वो दवा भी हमारे पास ख़त्म है अब उसको हम बाद में बताएंगे, या फिर आप कोई भी दवा जो एंटीबायोटिक आती है फार्म में डिसइंफेक्टेड, जो फार्म को डिसइंफेक्ट करने के लिए आप किसी पोल्ट्री फार्म की दुकान पर चले जाइए उनसे बता दीजिए फार्म को डिसइंफेक्ट करने के लिए जो स्प्रे आता है वो, मतलब आप महीने हफ्ते में एक बार स्प्रे भी कर सकते हैं जिससे जो वातावरण जो फार्म के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसमें जो बैक्टीरिया हैं उन पर आप कंट्रोल करिए, मतलब उनको आप ख़त्म करिए। अगर बैक्टीरिया किल नहीं होंगे तो लगभग आपको ये जो CRD की दिक्कत है वो आती रहेगी। और देखिए जो सबसे बड़ी बात क्या होती है फार्म में वेंटिलेशन, यदि आपका वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, हवा चारों तरफ से आ नहीं रही है जा नहीं रही है, तो गंदी हवाएं अंदर भरी हुई हैं वो बाहर नहीं निकल रही हैं, उसकी वजह से जुकाम बुखार की दिक्कत आने लगती है। और चलिए ये अब होगी एक CRD की डिजीज़ की दिक्कत, मतलब जुकाम बुखार या ऐसी दिक्कतें क्यों होती हैं इसके बाद। फिर अगली बात आती है कि जानवर के जो दूसरी बीमारी होती है स्किन डिजीज है, मतलब जो जैसे जानवर के जैसे इंसान की खुजली हो जाती है, दांत पड़ जाते हैं, कभी कभी देखो खरगोश के जगह 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 बाल गिर जाते हैं। अभी क्या होता है हमारे फार्म में कोई ऐसा पेशेंट ही नहीं है, कोई ऐसा रैबिट नहीं है जिसके ऐसी दिक्कत हो कि हम आपको दिखा सकें, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि गूगल से निकाल के फ़ोटो आपके स्क्रीन पे लगाने की कोशिश करेंगे। और बाकी जैसे ये पैरेट है जगह जगह इसके बाल रहेंगे जगह जगह गिर जाएंगे, उस तरीके की एक खुजली टाइप की बॉडी में हो जाती है स्किन डिजीज़। तो उसके लिए ये देखिए विरबैक कंपनी का आता है लीवर मिंट एंड ओरल सोल्यूशन हाईटेक, देखिए जैसे आप देखिए हाईटेक देखिए ये 1 लीटर की बॉटल है और इसका MRP 802 रुपये है, ये हाइट है। तो इसको आप इस पर वेट लिखा दीजिए, इसको कैसे देना है इस पर लिखा है 25 ml पर 100 kg बॉडी वेट बाय ओरल रूट, मतलब 25 ml पर 100 kg पर देना है। यदि आपके 100 खरगोश हैं यानी करीब 200 kg का वेट लगभग हो जाएगा तो आप 50 ml दीजिए, यानी महीने में 1, 2, 3 तारीख में आपने एंटीबायोटिक दे दी इंडोफ्लॉक्सासिन, और फिर 4, 5 और 6 तारीख को आप हाईटेक यानी 50 ml हाईटेक हम देते हैं अपने जानवरों को, 100 जानवरों को 50 ml हाईटेक 3 दिन देते हैं, उससे क्या होता है कोई भी स्किन डिजीज नहीं होगी। और फिर आप क्या करेंगे 1, 2, 3 तारीख में आपने इंडोफ्लॉक्सासिन दी, 3, 4, 5 तारीख में आपने ये दे दी है हाईटेक, और फिर अब 5, 6, 7 मतलब उसके अल्टरनेट 3 दिन बाद आप ये देंगे ली 52 है, ये 5 लीटर का बॉटल है, इसका MRP है 700 रुपये। तो आप हिमालया कंपनी की, जैसा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है ये हिमालया का है, अच्छा इसका रिजल्ट है, तो आप 100 ml 100 पर रैबिट 1 ml, मतलब एक पेरेंट एक हम जो बात कर रहे हैं बड़े रैबिट की कर रहे हैं, यानी एक पेरेंट रैबिट का वेट मिनिमम 3 kg या 2.5 kg या 4 kg तक होता है, यानी 5 kg तक भी रेयर केस में होता है, जो एक स्वस्थ खरगोश है वो 3.5 से लेकर 3 kg के बीच होता है। तो आप करेंगे 100 ml 100 खरगोश के लिए जो ये ली 52 है उसको दाने में मिलाकर दे दीजिए, अभी तक हाईटेक ली 52 और हमने ये देखिए और ये इंडोफ्लॉक्सासिन सब कुछ दाने में मिला के आपको बताया है कि सुबह जब दाना डालेंगे आप तो उसमें दाने में 100 ml ली 52 मिला के आप दाने में लगा दीजिए, सब पे डाल दीजिए, और पानी तो आप पिलाते रहते हैं, पानी में कुछ नहीं देने क्योंकि अभी हमारे यहाँ देखिए वो वाटर निपल सिस्टम जो लगा नहीं कटोरी वाला सिस्टम है, ऊपर से पानी डाला जाता है जानवर आधा ना देता है, तो आधी दवाएँ आपकी ख़राब चली जाएंगी, लेकिन फीड है जानवर 10 बार भी खाएगा फिर भी उसे ख़त्म कर देगा 24 घंटे में।
तो उससे दवाएं बेकार नहीं होती। और बहुत सारे जो फार्मर्स हैं उनकी एक जो मेजर प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी दिक्कत की, जो मादाएं हैं बच्चों को दूध नहीं पिला सकती, या मादाएं बच्चों को नहीं लेती, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। जो हम अभी दिखाना चाहेंगे, ये हमारे खरगोश हैं, उनका ये बॉक्स है, यहीं पे पेरेंट मदर है, तो जो मादाएं हैं उसी के पास बॉक्स रखा हुआ है, उसी में बच्चे हैं। मादा खुद जाती है अपना दूध पिलाती है, यदि उसके जो शरीर में ताकत है भरपूर मात्रा में तो वो उसे खुद दूध पिलाने का मन करेगा, उठ जाएगा। अब ऐसी दिक्कतें ना आए उसके लिए आप ये जो कैल्शियम विरवैक कंपनी का है, ऑस्टोवेट चिलेटेड फोर्ड, इसकी MRP है करीब, ये MRP देख के हम आपको बता रहे हैं, MRP है 920 रुपये। ये बाज़ार में आपको होलसेल की दुकान में 850 रुपये का करीब मिल जाएगा। तो आप जो भी दवाएं ज़्यादातर आप यूज़ करने की कोशिश करें, जो हम करते हैं वो विरवैक कंपनी की लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विरवैक कंपनी के जो दवाओं के रिजल्ट हैं काफ़ी अच्छे हैं। और बाकी जैसे आपको हाईटेक है, हाईटेक का इंजेक्शन भी मिल जाता है, हाईटेक एक डीवर्मर है जिससे बॉडी में किसी प्रकार के फंगस, जैसे तमाम तरीके के जू जो होते हैं जानवरों के अंदर, आप बड़े एनिमल्स जैसे भैंस है गाय है उन्हें भी दे सकते हैं, जब तमाम टाइप की जो जू पड़ जाते हैं शरीर में वो सब दिक्कतें नहीं होंगी। आप खरगोश को दे सकते हैं, कुत्ते बिल्ली किसी को भी दे सकते हैं, और आप घोड़े गधे किसी भी आप हाईटेक दे सकते हैं, सॉरी हाईटेक ओरल लिक्विड या फिर उसका इंजेक्शन दे सकते हैं। तो जैसे कि हम देखें जो अब आपको ये भी हमने कैल्शियम भी बता दिया, लगभग इतने में सारी बीमारियाँ कवर हो जाती हैं। और एक बीमारी जैसे क्या हो, और अपनी तरफ से हम कुछ बताना चाहें तो हम ये बताएंगे, जैसे कोई मादा बच्चे देती है तो उसके बाद थोड़ी जो उसकी जेर वगैरह है ये सब वो खा जाती है, अपना बच्चों को साफ कर देती है। उसके बाद हम जो करते हैं 1 ml लिए, देखिए Li-52 1 ml, और ये जो विरवैक कंपनी का हाईटेक ओरल सॉल्यूशन है इसे 0.5 ml, यानी आधा ml 3 दिन जो मादा बच्चे दी है उसके दाने में मिला देते हैं और उसको खिला देते हैं। उससे उसकी पूरी बॉडी में जो भी मतलब हाईटेक देने से भूख बढ़ जाती है, या लीवर जो फंक्शन उसका डाइजेशन, जो उसके अंदर गंदगी गई हुई है, बैक्टीरिया फंगस चले गए हैं, वो हाईटेक से, इसमें भी देखें लीवर मिंट मिला हुआ है जिससे कि जानवर के प्रॉपर भूख लगती है और जानवर हष्ट पुष्ट और अच्छा मतलब जल्दी तैयार होता है, ग्रोथ बढ़ जाती है उससे। हाईटेक आप प्रॉपर देते रहेंगे तो आपके जो रैबिट्स हैं उनकी ग्रोथ वैसे ही बहुत अच्छी होती रहेगी। और बाकी तो जो मेन बीमारियां हैं वो देखिए, जो मेन दिक्कतें हैं वो हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की। और देखिए एक और बात हम बोल गए बताना आपको कि तमाम सारे जानवर, जैसे कोई मादा को सॉरी किसी मादा को किसी नर के पास मेटिंग कराने के लिए रखा गया, क्रॉस कराने के लिए रखा गया, कभी कभी जानवर लड़ जाते हैं, एक दूसरे की आँखें नोच लेते हैं तो आँखों में भी चोट लग जाती है, तो उसके लिए जो हम देते हैं अपने पास से, जो हम अपने जानवरों के आँखों में चोट लगने में डाल देते हैं सिप्ला कंपनी की आती है, 15 रुपये की CC है, इसका अच्छा रिजल्ट है, आज तक कोई ऐसी चोट नहीं लगी हमारे खरगोश के जो इस दवा से ठीक ना हुई। 16.65 रुपये इसका MRP है, लेकिन हमें 15 रुपये की मिल जाती है। इसको आँख में 2-2, 3-3 बूंद डाल दीजिए 4-5 दिन, जब तक आँख क्योर न हो जाए पूरी तरीके से, तब तक आप इसको डालते रहिए। और आपको जैसे छोटे बच्चों को या किसी भी जानवर को स्पेसिफिक दवा पिलानी है तो आप ये देखिए इंजेक्शन देखिए, इससे आप इसके अंदर ढक्कन में दवा लेकर ऐसे भर के जानवर को इंजेक्शन में इसे पिला दें। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम दिखाएंगे खरगोश के इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, उसको पकड़ के दवा कैसे पिलाते हैं, या रैबिट को कैरी करने का क्या सिस्टम है, कैसे खरगोश को उठाना है, कैसे मीटिंग करवानी है, मीटिंग करवा के मादा को नर के बॉक्स से निकाल के मादा के बॉक्स में सुरक्षित कैसे रखना है, ताकि उसका जो मेटिंग कराने से जो उसके गर्भधारण करने की क्षमता है, जो प्रेगनेंसी की जो क्वालिटी हो अच्छी हो, ज़्यादा बच्चे दे वो 100% क्रॉस रुके। तो बहुत सारे हमारे मिनिमम मतलब लाखों जो मतलब नियर अबाउट 100% जो फार्मर है उसकी यही प्रॉब्लम है कि मादा को हम क्रॉस कराते हैं लेकिन वो रुकती नहीं है, बहुत लोग ये कहते हैं। तो उसके लिए क्यों नहीं रुकती है, क्या दिक्कतें हैं, जो मादाएं क्रॉस नहीं हो रही हैं उनके लिए क्या करेंगे, या जो मादाएं क्रॉस हो जा रही हैं फिर भी नहीं रुक रही हैं, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो अलग बनेगा। फिर भी जो हम बताना चाहेंगे, जो मादाएं क्रॉस नहीं हो पा रही,
मतलब तमाम मादाएं हैं वो क्रॉस नहीं हो रही हैं। यदि मादा कोई क्रॉस नहीं हो रही तो आप उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए आप सबसे पहले तो आप उसको ली 52 और कैल्शियम 5 दिन लगातार 2-2 ml करीब, 2 ml ली 52, 2 ml एक बड़े पेरेंट के लिए हम बता रहे हैं, मतलब एक एडल्ट पेरेंट जो बच्चे देता है उसके लिए। और आस्टोवेट नहीं होता है तो आस्टोवेट एक वो जो पाउडर फॉर्म आता है कैल्शियम जो सप्लीमेंट आते हैं वो भी आप दे सकते हैं 1 ग्राम पर जान रैबिट के उस पर, तो उससे यदि फिर भी आप मतलब जानवर को एक दिन आप हाईटेक दे दीजिए, उससे क्या होगा अगर जो कोई फंगस है डिवर्मर है हाईटेक तो उससे उसके अंदर फंगस ख़त्म हो जाएगा। 4 से 5 दिन ये उसको जैसे आप खिलाएंगे तो उसके बॉडी जो उसकी वीकनेस है वो एकदम से कवर हो जाएगी। इंस्टेंट वीकनेस कवर करना है तो ऑस्टोवेट कैल्शियम आप 2 ml सिलीज में भर के खरगोश को पिला दीजिए, उससे जो उसके अंदर करीब बच्चे मादा से हटने के 6 से 7 दिन बाद 8 दिन बाद क्रॉस नहीं हो रही है तो आप उसकी अलग से कुछ खिलाई करेंगे, तब मादा जाके क्रॉस हो जाएगी। यदि मादा जब क्रॉस हो जा रही है तो आपका क्रॉस हो गया फिर नहीं रुकता है तो मतलब उसके अंदर वीकनेस थी, फिर आप 10 से 15 दिन बाद उसको चेक करके प्रेगनेंसी चेक करके उसकी फिर आप उसको दोबारा से मेल के पास क्रॉस करा दीजिए। अगले अगले एक वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि रैबिट के अंदर 12 से 15 दिन बाद आप क्रॉस कराने कैसे चेक कर सकते हैं मादा प्रेगनेंट है या नहीं, क्योंकि ये वीडियो लंबा होता चला जा रहा है, ये काफ़ी सारे टॉपिक हैं जो एक ही वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए स्पेशली एक वीडियो हम इसके लिए बनाएंगे कि कैसे आप जानेंगे कि 12 से 15 दिन के बाद मादा प्रेग्नेंट हो गई है या नहीं, यदि नहीं हुई है तो आप उसको दोबारा से प्रेग्नेंट फिर से आप मेल के पास रख के मेटिंग करवाएं, मेटिंग का भी एक वीडियो डालेंगे कितनी बार मेटिंग करवानी है, क्योंकि देखिए कई एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना मुश्किल है और एक नई प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी किसान के पास, जैसा कि दिखा रहे थे कि ये पेरेंट हमारी है इधर भी ये लोग कैम कर देना, ये देखो ये नीचे भी लोग ये सफ़ेद वाला है तो ऐसी दिक्कतें आ जाती है। ये देखिए जैसे ये मादा है, ये मादा है, अगर इस तरीके का एक गाढ़ा लिक्विड नीचे गिराती है, मतलब गाढ़ा लिक्विड यदि इसके नीचे गिरता है उसका मतलब ये है कि उसका मतलब उसका जो मिसकैरेज हो गया है, उसके जो पेट में बच्चे बन रहे थे क्रॉस होने के बाद वो नहीं बने, यानी उसका उसका वो मिसकैरेज हो गया है। अब वो धीरे धीरे 2 से 3 दिन में सारा जो मैल उसके अंदर जो बच्चे बने थे कच्चे वो पूरा से निकल जाएगा, धीरे धीरे करके निकल जाएगा। ऐसी दिक्कत कब हो जाती है? ऐसी दिक्कत तब होती है यदि मादा कमज़ोर है, उसके अंदर फिजिकल वीकनेस है। यदि मादा के अंदर फिजिकल वीकनेस है तो ऐसी दिक्कत हो जाती है। उस ऐसी मादाओं क्या करेंगे आप 2 से 3 दिन हाईटेक आधे आधे ml दे दीजिए, मुँह में पिला दीजिए और फिर जो मादा को फिर 5 से 10 दिन 3-3 ml कैल्शियम जो हम देते हैं, रिकमेंडेड 1 ml है लेकिन हम 3 ml ऑस्टोवेट कैल्शियम हम 3 ml करीब उसको 5 से 6 दिन लगातार 8 दिन तक देते हैं दाने में मिलाकर, उससे क्या होता है जो मादा के अंदर जितनी भी फिजिकल वीकनेस है वो दूर हो जाती है, फिर दोबारा से क्रॉस करवाते हैं फिर लगभग 99% चांस है कि दोबारा से उसका मिसकैरेज नहीं होता। ये दिक्कत बहुत आती है, इसका कोई इलाज नहीं। यदि मादा बच्चे एक बार थोड़ा मैल डाल दी है वो डालती है तो उसको फिर रोकने का कोई जुगाड़ नहीं, ना उसकी कोई दवा है, फिर उसको आप हाईटेक दे दीजिए, उसकी सफाई हो जाने दो पूरी तरीके से, और फिर सफाई होने के बाद उसकी जो फिजिकल वीकनेस है उसे दूर करके आप उसे दोबारा से क्रॉस करवाएंगे। यदि कई मादाएं हैं नहीं क्रॉस होती हैं उसके लिए फिर अलग से दवाएं आती हैं कि उसके लिए आप उसको अच्छा कैल्शियम दीजिए, अच्छी दवा मतलब अच्छा कैल्शियम जो है उसको 5-10 ml 2-2 ml कैल्शियम 5 से 10 दिन दे दोबारा से वो क्रॉस हो जाएगी। तो हमारे उससे लग रहा है कि लगभग जो सारी जो मेजर्स प्रॉब्लम हैं वो हम इन वीडियो में कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आप हमारे सारे वीडियो पूरे देखा करिए, ये मत सोचिए कि इस टॉपिक पे हम बताते बताते कई बार ऐसी बातें बता देते हैं जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं भी होती हैं, लेकिन फिर भी वो बात हमारे मुंह से निकल जाती है जब हम बताना शुरू करते हैं। इसलिए आप हमारा हर एक वीडियो ध्यान से देखिए और रैबिट फार्मिंग से जुड़ी कोई भी समस्या आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ
और हम आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। और फिर हम एक बार आपको बता दें कि हम किसी भी तरीके का कोई खरगोश फार्म नहीं खुलवाते हैं, ना ही हमारी कोई खरगोश फार्मिंग कंपनी है। हम एक किसान हैं जो 1.5 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। हम अपने व्यक्तिगत अनुभव के हिसाब से आपको दवाएं बताते हैं और आपको जो भी अपने जो विचार है वो आपसे साझा करते हैं, अपनी एडवाइस हम आपको बताते हैं। और आप जिस कंपनी से फार्म खोल रहे हैं वहाँ ट्रेनिंग लीजिए, उनके जो बताए हुए जो उनके द्वारा दवाएं बताई जा रही हैं, जो उनके द्वारा केयर करने का सिस्टम बताया जाए वो आप सीखिए, वो यूज़ करिए। फिर भी यदि कोई आपकी दिक्कत हो तो आप हमारा वीडियो देख के उससे भी कुछ जानकारी ले सकते हैं। यदि सिर्फ ये कोशिश कभी मत करिए कि हमारा ही वीडियो देख कर आप एक्सपर्ट बनने की कोशिश करिए, जी नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, धीरे धीरे जब एक एक्सपर्ट आदमी के पास पहुँचेंगे, हो सकता है जो हमने बताया बहुत काफ़ी नहीं है, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। नए आदमी के पास पहुँचेंगे, हम अधिक एक्सपीरियंस होल्डर आदमी के पास पहुँचेंगे, कई सारी ऐसी बातें बताएगा जो हम भी नहीं जानते हैं, शायद जो कुछ कई सारी बातें जो हम बता दिए हैं आपको या जो हम जानते हैं वो नहीं जानते हैं, ऐसा हो जाता है। पर लेकिन ज़्यादा ये सोचिए कि 4 चीज़ें हमने बता दी तो आप इनको जान गए तो आप एक्सपर्ट हो गए, हम हो गए, जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। जितने ही अधिक एक्सपीरियंस होल्डर या जितने ही लोगों से आप मिलेंगे, हो सकता है इससे अच्छे अनुभव भी आप लोगों को मिले। तो इसलिए जब भी खरगोश फार्म किसी अच्छी कंपनी से खोलें, प्रॉपर ट्रेनिंग लें, और किसी जब भी खरगोश फार्म खोल दिए तो आप किसी एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति के गाइडेंस में ही अपना फार्म करें, जाके आपको दिक्कत न हो। तो और अगले अंक में हम आपको कुछ और अच्छी बातें बताने की कोशिश करेंगे। हमारे अगले अंक में हम आपको बताएंगे कि प्रोडक्शन कैसे होता है। ये अभी तो हमने बता दिया है कि खाना, दवाएं, घर, सेटअप, ये सब कैसे होता है। तो फिर अब ये भी तो जानना ज़रूरी है कि एक मादा कितने बच्चे दे देती है, साल भर में हम करीब कितने बच्चे ले सकते हैं, वहीं से तो हमारी इनकम जनरेट होनी है। ये हम देखेंगे, जैसा कि दिखाओ इधर एक एक पेज में हमने 5-5, 6-6 बच्चे रख रखे हैं। अभी ऐसी दिक्कतें सबके पास, मतलब ऐसी दिक्कत है क्योंकि उधर जैसे बड़े बच्चे हो जाएंगे स्लॉट उठ जाएगी और फिर ये बच्चे उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी ये छोटे हैं तो 4 से 5 बच्चे हमने एक पेज में छोटे एक बॉक्स में रखे हुए, 2 फुट के 1.5 फुट ऊँचे बॉक्स में रखे हुए। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे उत्पादन कि एक मादा कितने बच्चे देती है, कितने जल्दी वो वेट गेन करेंगे, फिर आपकी जो स्लॉट वाइज है कैसे कैसे आप बेच सकते हैं, उसमें जो भी दिक्कतें हैं परेशानियां उसकी वीडियो हम बनाएंगे। और इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। थैंक यू।